बहुत बड़ा तू पनाती पनाती पकड़ 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 तेरे बराबर की सुनवाई है तो भेज दे बड़ा सुरमई। हेलो गाइस, दिस इज सुलेमान जावेद और आज हम फिर मौजूद हैं मुबारक विलेज पे विद अ न्यू व्लॉग। डे इज 2nd of November। एज यूजुअल मेरे साथ उमैर है और एक नए दोस्त हैं हमारे साथ अदील। अदील भाई ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से। सो अदील भाई को आज एक ट्रिप में 3 ट्रिप्स के जो है ना मज़े करवाएंगे, मज़े करवाने इंशाल्लाह। सो क्या एक्सपेक्टेड है दिल भाई? सुरमई सुरमई इंशाल्लाह। अभी तो एट द मोमेंट सी बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन 10 बजे के बाद आई थिंक थोड़ा सा रफ वेदर एक्सपेक्टेड है, विंड थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है। और आज का प्लान भी थोड़ा हैपजेड है, काइंड ऑफ ट्रॉलिंग भी है और बॉटम भी है, फ्लैट लाइन फिशिंग भी है। सात बजे हमारा ये ट्रिप शुरू हुआ। इस दिन के लिए गेम प्लान हमारा ये था कि हम मुबारक से निकलेंगे और अर्ली मॉर्निंग हम ट्रॉलिंग करेंगे 10 बजे तक, जब थोड़ी हवा पिकअप करती है। 10 बजे के बाद फिर हम लोग बड़े तालाब पे बोट को एंकर करके तारूफ करेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग मुबारक से निकले तो हमको बिल्कुल करीब में ही फ़िश की एक्टिविटी नज़र आई। परिंदे समंदर की सतह पर डाइव कर रहे थे, जिसका मतलब ये था कि छोटी मछली समंदर की बिल्कुल तह से उठकर ऊपर आई हुई है। और ऐसा उस वक्त होता है जब नीचे से टूना, सुरमई या क्वीन फिश जैसी कोई फिश उस पर अटैक कर रही हो, जिसका मतलब था कि हमको बड़ा शिकार साहिल के बिल्कुल करीब मिल सकता है। ये सिचुएशन देख के थोड़ा सा छिछोरपन कश्ती पर फैल जाना नॉर्मल सी बात थी। सूरत हाल में हमने गेम प्लान को फौरन इम्प्रोवाइज़ किया और कश्ती का रुख जहाँ पर फिश एक्टिविटी थी उस एरिया की तरफ मोड़ दिया। लेकिन जितनी देर में हम लोग वहाँ पहुँचे तो फिश एक्टिविटी वहाँ से मूव हो चुकी थी और अब हम लोग को अपना आप पनौती महसूस हो रहा था। बांध के तू क्या कर रहा है? हम देखो अभी सीबी की कर रहा है, मच्छी पकड़ने वाला है। अरे बहुत बड़ा तू पनौती पनौती। ये देखो ये सीबी की है, ये देखो ये सीबी की है। देखो कोई रखे रखे छोटे मच्छी बांध के फेंकते हैं, सुरमा आ जाएगा इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। मैं वापस जा रहा हूँ। अदील भाई चलो अपन दोनों किट पहनते हैं स्नॉर्कलिंग, यहाँ से स्नॉर्कलिंग करते हुए वापस मुबारक के चले। इन लोग का मूड नहीं है। नहीं करनी है, कर लो। क्या करनी है? आज शिकार से ज़्यादा सारे जो है ना के मूड में। उमैर खाली तफरियाँ कर रहा है और हम खड़े देख रहे हैं। जाना बड़े तालाब था, यहाँ पे मुबारक से 5 मिनट आगे यहीं पे खड़े हो गए चारे के ऊपर। खालिद क्या चल रहा है? सभी की निकालो, सब कुछ सही चलेगा। एक घंटा वहाँ बर्बाद करने के बाद हमने मज़ीद चारे की तलाश शुरू की, जो कि थोड़ी दूर हमको मिल भी गया। लेकिन इस सब में हम अपने मेन गेम प्लान से बहुत दूर आ चुके थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग बड़ा तालार और ट्रॉलिंग कहीं दूर रह चुका था और हम सुबह सुबह हुजानी तारू कर रहे थे। हाँ ये गया, ये भी आएगा, आज आएगा काफी ऊपर आके आ रहे। पकड़। जानी तारू।
ये आ गई, इसका वजन आएगा। पौने 9 बजे एक क्वीनफिश लैंड करने के बाद हमारी असल फुहारी शुरू हुई। दोपहर 2:15 बज गए थे और हमारे पास उसके बाद कोई स्ट्राइक नहीं थी। परेशान होकर हमने सोचा शिकार को रोककर खाना खाया जाए। अभी हम खाने की तैयारी कर ही रहे थे। खालिद खालिद तू उसको देख, खालिद तू उसको देख, उमर तू चूल्हे ही देख, बंद कर चूल्हा। मैंने अभी कैमरा ऑन किया था। सुरमई सुरमई मैंने रॉड पकड़ी हुई है, बिल्कुल देख जा रहा हूँ रॉड पकड़ ताकि बल ना आए। सही है, करके रख दिया, थोड़ा सा ढीला कर दिया, इतने ढीला कर दिया। चलो मेरी बैड सीन लगा के रखो ना, ना 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 इसका काम होता है। स्ट्राइक बड़ी थी, मछली भी बड़ी थी, डेफिनेटली सुरमई एक्सपेक्टेड थी। चलो चलो चलो, देवा वाला डोका, ड्रैग बहुत ज़्यादा टाइट था तो लाइन दी, लाइन टूट गई, ऊपर आ गए। चलो चलो खाना खाओ, मूड खराब है, मूड खराब हो गया। चलो कोई नहीं, इस साइज की सुरमई मिस करने के बाद सबका ही मूड ऑफ हो गया था। कुछ ही दिलों के साथ खाने पर बैठे जो कि किसी से खाया नहीं गया। अभी खाना खाकर फारिग ही हुए थे कि एक और लाइन पर स्ट्राइक हुई जो कि इस वक्त तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक थी। उमर अब लाड़ा बाहर, मारको जोबन वाला पान, अब लाड़ा बाहर हुआ है। ये लो इसको थोड़ा करीब करता हूँ। सुबह से स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, कट हो रहे है, स्ट्राइक हो रही है। हाँ बनाइए। तो आज का सीन ऐसा है, सुबह से ख्वारी चल रही थी आज। सबसे पहले जब मुबारक से निकले उस वक्त एक आल उठाया था, उसके बाद चट क्यों नहीं कर रहे हो, चट क्यों नहीं कर रहे हो, फिर मैं नहीं कर क्या भर मैं चट क्यों नहीं कर रहा हूँ। उल्टी आप तो सुरमई का शौक है, तो हमें क्या, हमारा खानदानी काम है क्या। 2:30 बजे सुरमई लैंड करने के बाद काफ़ी देर हम वहीं तारू करते रहे, लेकिन उस पर कोई स्ट्राइक नहीं हुई। 4 बजे फिर ये डिसाइड हुआ कि वापसी के रास्ते में ट्रॉलिंग पर लक आजमाई जाए। नीचे नीचे टिप नीचे, टिप नीचे। तेरा वजन ज्यादा है सुरमई का ज्यादा है? तुम्हारा ज्यादा है। मुझे तो सुरमई का ज्यादा लग रहा है। ऐसे पकड़, ऐसे पकड़, ऐसे पकड़। तेरे बराबर की सुरमई है। क्या निकल रही है सुरमई उठा के, क्या निकल रही है भाई? बात सुन लो, 1400 किलो भेज दे, बेच दे बड़ा सुरमई। इधर ही सीधा जल्दी बेच, मैं लेके चलता हूँ लाड़ा मार कर सामान।
क्या दिल भाई, इंशाल्लाह मजा आया आपके साथ। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तुम्हारा आंकड़ा मजेगा। और इस तरह अल्लाह का शुक्र है हमारा ये ट्रिप खैरियत और आफियत के साथ इफ्तिताह को पहुंचा। आप लोगों से मुलाकात होती है फिर किसी अगले ट्रिप पर अगले वीलॉग में बहुत जल्द इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।